हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैक्रू प्लस। दोस्तों, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है टैली ईआरपी 9 को लेके, क्योंकि पुराने वर्ज़न में जीएसटी नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, जीएसटी के फीचर नहीं हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पुराने टैली ईआरपी 9 के रिलीज 1.1 में आप जीएसटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लेजर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस मेंटेन कर सकते हैं। पूरा तो जीएसटी उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है, नया वर्ज़न नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप उस वर्ज़न में भी जीएसटी को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करने होंगे आपको उसमें, हेड्स वगैरह में। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं टैली में जीएसटी को पुराने वर्ज़न में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा टैली ईआरपी 9 का रिलीज 1.1। लेटेस्ट जो आया है वो 6.0 आया है, लेकिन ये पुराना वर्ज़न है। तो अब हमें इसके अंदर मेंटेन करना है जीएसटी को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं कुछ लेजर्स। हमें जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में, लेजर क्रिएट में जाकर यहाँ पे हमें सेल्स के, परचेज के और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के हम लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज। तो दोस्तों, जितने भी परचेज के हेड होते हैं जीएसटी के, 9%, 12%, 18%, 28% जो भी हैं, वो आप सब इसमें बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सेल्स पे। मैंने दो हेड बना दिए हैं परचेज के, ऐसे हम दो हेड सेल्स के बना लेते हैं। तो दोस्तों, दो हेड परचेज के बना दिए हैं, दो हेड सेल के बना दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा हेड नहीं बनाए हैं। अब आगे चलते हैं हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। तो अब हम हेड बनाते हैं जीएसटी इनपुट के और आउटपुट के। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है अदर्स। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जीएसटी के परचेज, सेल, जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट के हेड बना दिए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो ऑलरेडी होता ही है, जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल। हम सबसे पहले करते हैं परचेज। यहाँ इनवॉइस नंबर आ जाएगा जो भी आपका होगा, पार्टी नेम, पार्टी का नाम डाल सकते हैं या कैश में भी डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं कैश ले लेता हूँ। यहाँ पर आप करते हैं जीएसटी की परचेज 12%, 9% जो भी है, आप उसमें हेड को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 12% ले लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ स्टॉक आइटम नहीं है, हमें इसको क्रिएट करना होगा ऑल्ट सी करके। सपोज हम लैपटॉप परचेज करते हैं, अंडर प्राइमरी यूनिट बनाते हैं नंबर। यहाँ पे हमें देना होगा इसका टैक्स रेट 12%, अगर 12 है, 14 है, 28 है या 18, जो भी परसेंटेज होगी हम उसको परसेंटेज यहाँ पर दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमें मेंटेन करना होता है आइटम का एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड के लिए आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा स्टॉक आइटम के एचएसएन कोड, और जो भी एचएसएन कोड होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये टैली का पुराना वर्जन है, इसमें एचएसएन कोड का कॉलम नहीं आएगा। आप इसको डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक आइटम का एक ही एचएसएन कोड होगा, वो एक बार डालना पड़ेगा आपको, बार बार चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर डालनी है क्वांटिटी, रेट, इसी तरह से एक और स्टॉक बना लेते हैं प्रिंटर्स, इसका भी एचएसएन कोड डाल देते हैं। अब
दोस्तों हमें सेलेक्ट करना होगा जीएसटी का इनपुट हेड, ये हमारा है 12%, तो हम एंटर कर देते हैं। और अभी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे इस हेड के अंदर, कंट्रोल एंटर दबा करके, ये मैं यहाँ पर डालना भूल गया था। यहाँ इसकी परसेंटेज डल जाएगी 12%। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कहाँ पर आपको टैक्स लगाना है, तो इसको करना है आपको टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, राउंडिंग मेथड कर देते हैं 2। इसी तरह से अगर आपका कोई फ्रेट अमाउंट है या फ्रेट अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं तो उसको सेव कर दीजिए। नरेशन में आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, या तो प्रेस कर सकते हैं F8 बटन और या यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या आ गए हम सेल्स के अंदर। यहाँ हमें डालना है पार्टी का नाम, पार्टी हम कैश रख देते हैं, अगर कोई पार्टी का नेम है तो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल कैश रख लेता हूँ। और यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं आपकी, जो बिलिंग डिटेल है, एड्रेस, टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर जो होता है आपका सेल्स टैक्स नंबर ही होता है, आप इसको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लैपटॉप 500, प्रिंटर 100। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है जीएसटी का आउटपुट लेजर, जो कि 12% है। अब यहाँ पर अब ऑटोमेटिक अमाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ यहाँ मिस कर दिया है। यहाँ पे मुझे करना है 12% टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, राउंडिंग मेथड, और यहाँ पर 2। दोस्तों अब हमें यहाँ पर करनी है टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री, उसके लिए जाना पड़ेगा जनरल रजिस्टर पे, और यहाँ पर डेबिट में हम एंटर करेंगे जीएसटी आउटपुट 12%, जो टैक्स अमाउंट है 15,36,000 का हमें पेमेंट करना है, और इसके अगेंस्ट हमें जीएसटी का इनपुट मिलता है 9,12,000 रुपये का। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है वो हमें पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक हेड बनाना पड़ेगा जीएसटी पेबल के नाम से, और उसके लिए करेंगे हम ऑल्ट सी, यहाँ पर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, और इसको हम अदर्स करेंगे और इसको सेव करेंगे। ये देखिए 6,24,000 रुपये का हमें जीएसटी का पेमेंट करना है। इसके अलावा अगर और हेड इसके अंदर इन्वॉल्व है, जीएसटी 12% की जगह 9% है, या 28% है, या 5% है, जो भी हेड होगा यहाँ पर पेबिल के अंदर आ जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री में, और जो भी बचेगा, जो बैलेंस बचेगा माइनस करने के बाद, जीएसटी पेबिल में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद आपको जीएसटी पेबिल का जो अमाउंट है पेमेंट करना होता है। जीएसटी के टैक्स पेमेंट की एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जीएसटी की टैक्स पेमेंट एंट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा F5 बटन पे, पेमेंट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अपना बैंक अकाउंट या कैश। बेसिकली जीएसटी की पेमेंट जो है वो बैंक से ही होती है, तो हमें एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं। कैश भी एंट्री कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ये आ जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप डिटेल भर सकते हैं। अब हमें यहाँ लिखना होगा जीएसटी पेबल, यहाँ पर आपने अगर चेक से पेमेंट किया तो चेक नंबर आ जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन अगर पेमेंट किया है तो ऑनलाइन की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कुछ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि पुरानी टैली ERP 9 में आप जीएसटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, जैसे हम वैट मेंटेन करते थे उसी तरह से हम जीएसटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।